अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। ब्रिज कोर्स का 10वां दिन, इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 10th क्लास साइंस सेकेंड डे 10 सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं। तो आज बात करने वाले हैं ICT के सबक की, जिसके अंदर आइए मश्क करें दजजेल सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट के कौन से वसाइल एप्लीकेशन कारामद साबित होंगे, तो अगर आप कोई साइंसदानों की मालूमात की पेशकश करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट का MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। जो प्रेजेंटेशन, जैसे आप ये PPTs देख रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, ये भी पावर पॉइंट के अंदर बनाई गई है। तो आप ऐसे ही पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन साइंसदानों की मालूमात के लिए तैयार कर सकते हैं। MS यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यौम आज़ादी पर मजमून लिखना, यहाँ लिखने के लिए जो है हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ओहम के क़ानून की जाँच के लिए तरसीम बनाना, तरसीम जो है बनाने के लिए या हिसाब किताब करने के लिए एक्सेल, ये सिर्फ एक्सेल नहीं है बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप चुटकियों के अंदर बड़े से बड़े जो है हिसाब किताब कर सकते हैं और तरसीम वगैरह बना सकते हैं। बस एक क्लिक के ऊपर तरसीम वगैरह तमाम जो है तैयार हो जाती है। तो इन सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करेंगे। फुल फॉर्म लिखिए, यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है DOS, तो यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का जो है फुल फॉर्म है। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CPU जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, जो डब्बा हम देखते हैं वो CPU है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CDAC, तो ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग का जो है ये शॉर्टकट है CDAC। उसके बाद अगला सवाल है, नाम लिखिए। इनपुट यूनिट, इनपुट कहते हैं जो मालूमात हम बाहर से कंप्यूटर में दाखिल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, जिसके ज़रिए हम मालूमात कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इन करते हैं। उसी तरीके से डिजिटल पेन है, माइक्रोफोन है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी की आप किस्में देखें तो जो है दो तरह की मेमोरी होती है, जैसे हमारे जिस्म के अंदर भी, हमारे दिमाग के अंदर भी दो तरह की मेमोरी है, एक शॉर्ट मेमोरी है और एक लॉन्ग मेमोरी है। शॉर्ट मेमोरी ये जो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी किस्म रोम की है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो है कुछ वक्त के लिए रहती, अगर हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो रैम में से तमाम मालूमात चले जाएंगी, रोम के अंदर से जो है हम स्टोर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो ये जो है लॉन्ग मेमोरी के तौर पे भी इसको हम कह सकते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, खाका मुकम्मल कीजिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है। तो साइंस के अंदर ICT का इस्तेमाल क्या है, तो हिदायतकारी, साइंस के कुछ तजुर्बात और तस्वुरात एनिमेशन के ज़रिए बआसानी वाजे किए जा सकते हैं। मसलन सनती निज़ाम, या आप देख लीजिए हमारे जिस्म के अंदर अगर हर्ट है और हर्ट कैसे काम कर रहा है, तो इसको एनिमेशन के ज़रिए बड़ी आसानी से हम समझा सकते हैं। ख़यास आरई, मालूमात को जमा करके इस पर तामुल के ज़रिए ख़यास आरई की जा सकती है। जैसे मौसमियाती साइंस, तो आप देखिए जो मौसम विभाग होता है वो ICT का इस्तेमाल करके जो है मालूमात को एकजा करता है और उससे अंदाज़े लगाता है कि बारिश कब होंगी, कितनी होंगी, कैसी होंगी। साइंसी मालूमात का हुसूल इंटरनेट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉगिंग, चार्ट, विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तमाम तरीक़े से हम जो है साइंस की मालूमात को हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ा ज़रिया है, जैसे आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो ये भी ICT की बदौलत है। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।